नमस्कार। एक खूबसूरत सुबह के साथ, एक हिंदी की खूबसूरत सी कविता के साथ शुरुआत करते हैं। मैडम हमारे साथ है, और जो शुरुआती दौर में आपने पर कौन सी थी वो कविता, जो पर्वत प्रदेश में पावस और लो उड़ गया भूधर अचानक, क्या था वो जरा आप? लो हाँ, लो उड़ गया अचानक भूधर, भड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्जर, है फूट पड़ा भू पर अंबर। तो आज कुछ नया और हो जाए, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि उड़ने वाला राला मंडल नजर नहीं आ रहा है, एकदम क्लीन है, साफ है, नीट एंड क्लीन राला मंडल आज बहुत लंबे समय बाद हमें दिखाई दे रहा है। हमेशा कुछ ओस रहती है या धुंध रहती है या फिर बारिश की वजह से हम लोग क्लियर नहीं देख पाते, वो भी हमने दिखाया, लेकिन आज का जो मौसम है उसके बारे में कुछ मौजू हो जाए। अभी अचानक एकदम ऐसे कुछ एकदम नहीं याद आ रही इस मौसम, जैसे आपने अभी कबीर को लेकर सुना है उसी पर कुछ शुरुआत हो जाए। आओ कबीर, कबीर जाने जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है कबीर खान, मैं वेलकम टू यूट्यूब चैनल, कैसे आप सभी लोग प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। क्या बात है, आइए आइए इधर आइए इधर आइए, अभी अभी हमारी कविता अधूरी रही। हाँ जी, ये कबीर थे, आपने इनको सुना, ये इस जमाने के कबीर हैं। मैं बात कर रही हूँ कबीर दास जी की, जो जाने जाते हैं अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म की विचारधारा के लिए, और मुझे बहुत अजीज़ है जो उनके दोहे, उसमें ये है, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो वो जहाँ एक और हिंदुओं को कहते हैं, वहीं दूसरे और मुस्लिमों को भी लताड़ते हैं, वो भी ज़रूर कहूँगी वरना साथी नाराज़ हो जाएंगे। कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद दी बनाए, तापे मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या बात है, सुबह इतनी खूबसूरत सुबह और इतनी अच्छी कविता है और इतना अच्छी हिंदी सुनने को मिले, हालांकि मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है और लेकिन फिर भी सुनना बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि हिंदी अपनी बेहतर हो। खान साहब आज हमारे साथ है, पिछले कुछ दिनों से पैर में दिक्कत होने के कारण राला मंडल की दो तीन जो घड़ियां हैं वो चूकी है, लेकिन अभी आपका स्वास्थ्य, अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है सर, कैसा चल रहा है? अब तो बिल्कुल फिट है सर, फाइन रहना ही पड़ेगा, फिट एंड फाइन। बिल्कुल, और इसी फिटनेस को लेकर हम लोग राला मंडल तक पहुंचते हैं। आज छोटे खान साहब भी हमारे साथ हैं, मिस्टर कबीर, जैसा कि आपने अभी देखा कि मेरे चैनल के लिए उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया है, और उसके लिए उन्हें एक पोहा और जलेबी एकदम बेहतरीन उपहार के रूप में ज़रूर मिलेगी। हम अगले टूर पे फिर यही मिलेंगे, लेकिन कबीर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने समय बाद राला मंडल है? एग्जैक्टली देखा जाए तो दो तीन साल बाद, हाँ मतलब ढाई डेढ़ साल बाद। ढाई साल बाद, इतना लंबा गैप क्यों, इतने में दिक्कत है या क्या? पहले तो कोविड की वजह से नहीं आ पाया, उसके पहले मेरे को उठने में बहुत दिक्कत होती थी, मेरा स्कूल स्टार्ट हो गया, मतलब स्कूल चलता था तो 8 बजे बस आ जाती थी, तो उसके लिए मैं आ नहीं पाता था। संडे को हाँ ज़रूर आता था, बट वो भी कभी कभार, क्योंकि फिर मतलब पूरे हफ्ते में 6 दिन जाओ तो ऐसा लगता है कि एक दिन तो कम से कम होना चाहिए ब्रेक। बिल्कुल, एक दिन ब्रेक भी होना चाहिए, लेकिन अपनी हेल्थ के प्रति भी थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। हाँ, मैं सुबह कबीर बास्केट बहुत अच्छा डांसर भी है, चूँकि मेरी ज़्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन अभी मैंने एक दो स्टेप देखी थी अभी कबीर की, और वो देख के मुझे लगता है कि ये एक अच्छा डांसर जरूर है, क्यों कभी डांस भी करते हो आप थोड़ा थोड़ा रुचि के अनुसार? हाँ जी, मुझे डांस बहुत पसंद है, मैं डांस क्लास भी जाता हूँ और हिप हॉप की कोरियोग्राफी हम लोग करते हैं। क्या बात है, और क्या क्या रुचि है, मतलब संगीत में, पढ़ाई में, घूमने फिरने? स्पोर्ट्स में रुचि है, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, स्पोर्ट्स में मुझे बास्केटबॉल खेलता हूँ, मैं रोज कोर्ट पे जाता हूँ सुबह खेलने। अरे वाह, टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग सुबह 7 o'clock चले जाता हूँ और 8:15 तक आ जाता हूँ। अरे वाह कबीर, आपसे मुलाकात करके बहुत बहुत आनंद आया, और हम चाहेंगे कि हर रविवार आपसे यहाँ मुलाकात हो। धन्यवाद। मुझे लगता है कि शायद हम अगले रविवार से नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्रिश्चियन कॉलेज पे खेलते हैं, और पिछले एक हफ्ते से वहाँ पर हमारा ग्राउंड साफ़ करने के लिए एक मुहिम हम लोगों ने चला रखी है, तो संभवतः दे अगले हफ्ते हमारा ग्राउंड साफ़ होगा, तो हम राला मंडल ना आकर क्रिकेट के ग्राउंड पर मुलाकात करेंगे, लेकिन कबीर से कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहेगी। अब तो मैंने स्टार्ट कर, अब मैंने सोचा कि अब हर संडे आऊँगा। अरे वाह ग्रेट, तो कबीर के लिए फिर मुझे लगता है कि हम लोगों को भी यहाँ राउंड लगाना ही होगा और कबीर से मुलाकात करना होगी। कबीर साहब, खान बंधु,
और प्रवीण सावंत के साथ मैं हेमंत शर्मा अगले एपिसोड में एक बार फिर राला मंडल की 782 मीटर की चोटी से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।